वहीं मेरठ के भामाशाह पार्क स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी मैच का खेल खेला जा रहा है। यूपी और ओडिशा की टीम के बीच में मुकाबला चल रहा है। मैच के तीसरे दिन यूपी 372 रन पर ऑल आउट हो गई। लंच के बाद ओडिशा अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की, हालांकि पहले ही ओवर में ओडिशा के एक विकेट गिर गया। मेरठ के तीन बच्चे खेल रहे हैं, शुभम मावी खेल रहा है और प्रियम गर्ग ने कल सेंचुरी बनाई है। ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है यूपी के बच्चों का और देख के खुशी हो रही है, क्योंकि पीछे कुछ मैचेस में हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन इस मैच में वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मैच अच्छा चल रहा है, पिच अच्छा खेल रहा है, दोनों टीमों के लिए बराबरी की टक्कर है। मेरठ में अच्छा खेल रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहा है मावी और सौरभ कुमार भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। डिसाइड होगा जो अच्छा खेलेगी, इस टाइम बराबरी पे है मैच, जो अच्छा खेलेगा वही जीत। उड़ीसा में भी अच्छे बॉलर हैं, मोहंती हैं, इतना मुझे वो नहीं है, लेकिन यूपी के भी अच्छी टीम है और बराबरी की टक्कर है, कल रिजल्ट ही निकलेगा इसका।